बिना खर्ची पर्ची मिल रही है। तो नौकरी रही है नहीं भाई, तो ये नहीं रही। जो टेस्ट वगैरह होते हैं सभी मतलब पैसों से ही होता है। आप थोड़ी सेट बिना सारा झूठ है, कोई रुपया वाला है। कुछ बच्चों ने तो पेपर भी दे दिए तो उनके बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ है। जो रुपये दे रहे थे वो फंस गए, जो तैयारी कर रहे वो भी फंस गए। हरियाणा में तो बहुत ही बकवास गवर्नमेंट है ये हमारी। डेढ़ साल हॉस्टल में पढ़े थे, तैयारी करी थी उनका भी। पहले चार पांच लाख रुपया में बात हो जाती है, उसी दस पे बात है। जॉब है ना वो बिल्कुल खत्म ही हो जाने हैं। पर जिनका जैक्सन है वे भी रुपये देगा लगन ला रहे। क्या बिना खर्ची पर्ची हो गया काम? हाँ भाई बिना खर्ची हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कौशिक, आप देख रहे हैं हरी भूमि का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है स्ट्रीट व्यू। असल में इस प्रोग्राम में मैं कुछ रैंडम लोगों से बात करूंगा जो सड़कों पे मिलेंगे, कॉलेजों के बाहर मिलेंगे, हॉस्पिटलों के बाहर मिलेंगे या मिलेंगे हमें मार्केट में दुकानों पर। उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ सवाल लेकर हम चलेंगे कि उन सवाल पर पब्लिक की ओपिनियन क्या है, आम जनता उस पर क्या कहती है। और मेरे प्रोग्राम का नाम है स्ट्रीट व्यू। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि क्या बीजेपी सरकार में वाकई ही बिना खर्ची पर्ची के काम हो जाता है। इस पर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट से बात करेंगे कि कितनों को नौकरी बीजेपी सरकार में बिना खर्ची पर्ची के मिली है। और अभी जो हरियाणा पुलिस का पेपर है वो लीक भी हुआ है, उससे जोड़ते हुए हम आज लोगों से बात करेंगे। आइए फिर चलते हैं। जो बीजेपी सरकार है इसमें एक बात कही गई कि पेपर जो है नौकरी जो है बिना खर्ची पर्ची के लग जाए, ये लग गए, ठीक बात है ना भाई? समय को नहीं ठीक है। किस तरह है भाई जो पीछे देखा लग रही है? अच्छा मैं तो भाई पीला कम लग रही है। अच्छा हाँ, एक बत्ती काटी थी बिना पीछे की भाई। कौन सी? ग्रुप डी वाली बस। अच्छा सो में लग गया बारह रुपये से लग गए बिना पीछे। कितने एक रुपये लग गए तेरा? पीछे भाई तो पीछे भी घने लग गए कि लग के नहीं सकते। नौकरी रही है नहीं भाई तो। अच्छा। भर्ती नहीं रही। अच्छा। कैंसल हुआ है भाई, जो भी भर्ती करता है पेपर देने जावा वह फिर कैंसिल करते हैं। पेपर बढ़िया बना भाई उसो में वो ही कैंसिल। अच्छा। मेरा अगला तो भाई कई बार बन रही है। कौन से पेपर की तैयारी करी थी? मरना भाई दो बार जो पोस्टमैन के दे जमा पूरी तैयारी थी मेरे भाई जमा 99% नौकरी पर लगने का चांस थे। अच्छा। पेपर बढ़िया बने थे दो बार कैंसिल कर दिया। अच्छा कितने तो दिक्कत हो है कुछ इसमें कैंसिल हो जाए? कितनी दिक्कत भाई? घनी दिक्कत है मेरे भाई, गरीब आदमी इतनी दूर दूर तो आवे है सेंटर दिल्ली थोड़ा कड़िया कड़िया देगा वहाँ भाई भाड़ा किराया ले कर फिर कैंसिल हो जाए भाई दुख तो हो है। दो बार कैंसिल करे भाई, तीसरी बार मेरा पूत नहीं बनया जाने का। अच्छा। तीसरी बार बत्ती काटी मेरे तो घना दुख हो गया भाई। चलो मतलब नहीं लगती बिना खर्ची पर्ची काम नहीं होता सरकार में। मैं तो कहूंगा भाई मेरा काम भी नहीं बनाया, दो बार मैं अपना दिमाग तो देगा या पेपर दो बार कैंसिल हो गया भाई। जो बीजेपी सरकार में नुका है कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लग जाए, क्या कहना है इस पे? सारा झूठ है, कोई रुपया तो लग गए। अच्छा जिसकी पहुँच है वो सारे लग गए रुपया पे। अच्छा ये तो कहने की बात है। तैयारी करते हो किसी पेपर की? तैयारी करा किसकी करी थी? हरियाणा पुलिस की करी थी। अच्छा पेपर कैंसिल हो गया। क्या एक्सपीरियंस है उसका? क्या एक्सपीरियंस बताओ भैया, फर्जी वाड़ा इतना चल रहा है ठेके में हम तो। अच्छा मानता होगा रुपये कमाए लिए जो रुपये दे रहे थे वो फंस गए, जो तैयारी कर रहे वो भी फंस गए। और तो क्या क्या काम भैया, कितनी दिक्कत हुई कि भाई पेपर की तैयारी भी करी इब लीक हो गया, अब कब होंगे उसका पता नहीं। वो भी कौन मेरा कद डेट दे होंगे पेपर की? अरे जो वाला डेढ़ डेढ़ साल तो एक एक साल तो लग रहे तैयारी करने, उनका क्या होगा? महाराज चलो ठीक है अच्छे अच्छे बिन्या तो लग गए थे जो डेढ़ डेढ़ साल हॉस्टल में पढ़े थे तैयारी करी थी उनका क्या भाई? कौन है अगले सही है कौन है अगले गलत कौन है? अच्छा सही कहे, ठीक है बात सही है, मिल गई नौकरी किन है? मेरी तो उम्र ही वही है। अच्छा अब 99% तो ठीक है। अच्छा जो ये पेपर लीक हो गया अब इस पर क्या कहना है भाई? ऐसा है पेपर लीक हो गया तो इसमें मैं तो ये मानता नहीं कोई बीजेपी का हाथ है। अच्छा तो कुछ के लिए ठीक भी है कुछ के लिए नहीं भी है। कैसे? बच्चे तो तैयारी भी करके लग रहे हैं कुछ। अच्छा। एक लग भी रहे हैं। आप तैयारी करते हो किसी पेपर की? हाँ जी कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हो? अभी स्टार्ट की है कोचिंग करेंगे। अच्छा। और अभी, आगे अभी जो ये हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ इस पर क्या कहना है?
ये तो देखो लगातार कुछ ना कुछ पेपर लीक होते ही रहते हैं, कभी किसी को अगर फिर बच्चों को पता भी, कुछ बच्चों ने तो पेपर भी दे दिए तो उनके बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ, उन्होंने उनकी तो तैयारी भी गई और कुछ की तो एज भी तो मतलब एक ही बार की रह गई थी वो भी खत्म हो गई, बहुत गलत सिस्टम है। आप क्या कहना है इसी बात पे कि बीजेपी में कह रही है कि हमारे में जो भी बच्चे हैं जो नौकरियां लगती हैं वो बिना खर्ची पर्ची के लग जाती हैं? नहीं, ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम नहीं बोल सकते, जैसे मतलब के सभी चीज़ें होती हैं हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे मतलब नकल से पैसों से भी लगते हैं और बहुत सारे अपनी मेहनत से भी लगते हैं, बट जो मतलब परसेंटेज है ना हमारी मेहनत वाली वो कम है हमारे। अच्छा, हाँ पैसे दे के अब भी ज़्यादा लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं, और बिल्कुल लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, मुझे तो मतलब डिफेंस में जितने मतलब एयरफोर्स हो गया ये सारे मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं सभी मतलब पैसों से ही होता है। आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की? नहीं अभी तो मैं बीएससी फाइनल में हुई हूँ अभी। अच्छा। अभी मैंने कोई कंपटीशन लेवल का टेस्ट भी नहीं किया। एज ए स्टूडेंट क्या खुश हो बीजेपी सरकार से? नहीं, हम किसी भी ना गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट को हम ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब बीजेपी मतलब किसी पर्सन से ही बनती है ना, मतलब सभी लोगों से मतलब। नहीं हम कह रहे हैं जो हरियाणा में अभी सरकार है, क्या उससे एक स्टूडेंट जो उम्मीद करता है कि हम पढ़ने के बाद हमारी पढ़ाई अच्छी होगी हमारी नौकरी अच्छी होगी, क्या ठीक है वो? आज वाली जो गवर्नमेंट है उसको देखने से लग रहा है कि मतलब जो जॉब है ना वो बिल्कुल खत्म ही हो जाने हैं, मतलब जो मतलब सोसाइटी में चल रहा है ना ये सब प्राइवेट ही हो जाने हैं आज थोड़े दिन के बाद अगर यही गवर्नमेंट चलती रही तो। हरियाणा में तो बहुत ही बकवास गवर्नमेंट है ये हमारी बीजेपी, इससे अच्छी तो कांग्रेस भी थी, कम से कम नौकरियां तो थी उस टाइम। आपकी पसंद कांग्रेस है? नहीं मैं कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ ना मैं बीजेपी को, मैं पर्टिकुलरली अपनी इस सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जॉब के सेक्टर में। वोट डाली थी आपने? नहीं अभी मैंने फर्स्ट। अच्छा नहीं हुई पहली वोट? एज नहीं हुई थी तब तक। अच्छा फिर नए वोटर हो अब की बार आएगी, किसको देने की उम्मीद है अब की बार? मतलब वो देखेंगे कौन खड़ा है हमारे वहाँ से। आप सरकार मैं ऊपर के चेहरे नहीं देखोगे? पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए हमें, कभी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए हमें, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वो कितना काम करवा रहा है यहाँ पे, मतलब बीजेपी सरकार ऐसी भी है कहीं बहुत सारे उसके पॉलिटिशियन है जो बहुत अच्छे काम भी करवा रहे हैं, और ऐसे भी है जो सिर्फ पैसा ही कूट के खा रहे हैं, तो सभी टाइप के होते हैं ना। हाँ पार्टी को वोट नहीं देना। भाई जी क्या लगता है बीजेपी में जो नौकरी मिल रही है बिना खर्ची पर्ची मिल रही है? नहीं इसके कौन से पेपर में मांगे 10 लाख? ये कौन सा पेपर था रही हो? हरियाणा प्लस का। अच्छा 10 लाख 14 लाख दिए थे फिर भी ना लाख 14 लाख दिए थे, कमाल कर दे। किसको दिए? मैं दिए थे जी डेटा रख दे। फिर तो देखो मजाक की बात होगी, पर क्या लग रहा है कि भाई एक स्टूडेंट क्या खुश है इस सरकार से? कितनी पढ़ाई करी है? नकली काम बीजेपी आला का रेट बद के कती अच्छे, पहले 4-5 लाख रुपये में बात हो यार थी, उसी 10 पे बात 12 14 दिल्ली के 14 नाम ने भी रहा 10 या 12 तो सही, इतना मुंडा काम बीजेपी का। अच्छा बाकी कम तो ही है, पर जिनका जैक्सन है वे इबीवी रुपये देकर लागण ला रहे। कौन से पेपर का एक्सपीरियंस बता रहे हो आप? CHSL का कैंसिल हो गया था एक तुम्हारा, मैं देखा आया था वो कैंसिल हो गया है, ई बार्ड है अपना हरियाणा पुलिस का, यो भी नकल आ गया हमारे कैंसिल हो गया है। अच्छा फिर अब उसमें किसकी गलती लगती है जो पेपर लीक होया? सबकी है भाई, सबकी है, जो बनानी है उनकी भी RHS वाले की भी है। अच्छा। जिन्हें बनाया प्राइवेसी खातर भाई, भी ना 1 करोड़ रुपये फूके है, मैंने अखबार पढ़ा था उन्हें जब भी प्राइवेसी ना रखी गई उन तरह देख ले के काम से, कोई मेरे तरफ ये दे 10 लाख भाई तेने काम करना मैं करूँगा भाई। अच्छा मतलब रुपये देने के बाद भी काम नहीं हो रहा? यो मुंडा काम से खर्चा करा क्या करो ना कार फिर भी प्राइवेसी ना रह रही। अच्छा मतलब रुपये लो तो नौकरी तो दे दो कती हो ना भाई, मुंडा काम से इनका दो कती कोई रुपये देने का फायदा को ना, पढ़ कर लागो लागत तो। अच्छा अपना भाई खड़ा रहे आज रे भाई सिलेक्ट हो रहा है भाई एयरफोर्स में लागे है इव कदे भी जॉइनिंग आज का लेटर या लेटर एडेड भाई से बात करेंगे। क्या नाम है भाई? विशाल। विशाल विशाल आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या बिना खर्ची पर्ची हो गया काम? हाँ भाई बिना खर्ची के हो रहा है। कितनी मेहनत की? मेहनत तो कितनी क्या, जैसे जो 11th 12th जो बेसिक्स वगैरह जो अपने अच्छे से कर लेता है उसका टेस्ट वगैरह क्लियर हो ही जाए। किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुए आप? एयरमैन एक्स ग्रुप लीडिंग एयरक्राफ्ट में। अच्छा खुश नहीं हो? सरकारी बीजेपी से क्या उम्मीद है इसके बाद नौकरी मिल जाएगी?
यही सरकार रही तो मुश्किल मुश्किल है। कौन सी सरकार पसंद आपको वैसे? वैसे तो कांग्रेस कांग्रेस उसमें लग रही थी बीजेपी सरकार में आप तो उड्डा सरकार के लावा सरकार तो गेला होवे पर इसकी पूछ रहा हूँ ना क्या लगता है भाई कुछ कम अभी है कि भाई रुपये देगा लाग रहे कुछ कम है ना भाई 100% बीजेपी अपना दे रही है भाई जो अपनी जो मेहनत करा है वो ही लाग रहा है। अच्छा आप क्या करते हो पढ़ते हो अभी? हाँ मैं बी ए फाइनल पेपर दिया है। अच्छा तैयारी भी कर रहे हो किसी? हाँ आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो अभी पोस्टपोन कर दी उन्होंने। अच्छा हाँ फिर इस पोस्टपोन होने से तो खैर है कि बीजेपी ने जो बीजेपी सरकार है इसने बहुत ही युवाओं को खोज लिया है। जी है आपका क्या मानना है फिर? आपका मेरा मानना यही है कि बीजेपी ने जहाँ तक देखा था तो गलत करी है युवा के साथ। गलत करी कुछ नहीं है युवा कुछ नहीं है युवा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आप देख रहे थे स्ट्रीट व्यू। इसी तरीके के और एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अलग अलग सवाल पे हम लोगों से बात करेंगे कि क्या ओपिनियन है, पब्लिक की क्या ओपिनियन है उस सवाल पर। आज हमने बात की कि क्या बीजेपी में सच में बिना खर्ची पर्ची के काम होता है या नहीं होता है। लोगों की अपनी अपनी राय रही है, बहुत सारे लोगों ने हाँ भी कहा है कि हाँ बिना खर्ची पर्ची के काम हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया है। इसी तरीके की और वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, आप देखते रहिए हरी भूमि टीवी। मैं सनी कौशिक, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल कश्यप।